फाइनेंशियल कंट्रोल जिसके पास रहेगा वही कंट्रोल करेगा चीजों को। जज भी लेडीज थी, कहते 6 लाख रुपया तुम्हारा मंथली खर्च है, तो कर ये कि हाँ मेरा खर्च है। अरे हंसता क्यों है भैया, समलैंगिक विवाह में पुरुष पुरुष से ब्याह कर सकता है, महिला महिला से कर सकती है। अब इसको प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी थी कि ब्याह कर लिया और 3 महीना वाला टाइम हुआ पूरा नहीं करने दिया। नागरिक संहिता, सिविल संहिता या नागरिक, ये अलग अलग है हमारे देश में। इसमें बेसिकली सिविल संहिता में कितने चीजें हैं, विवाह का नियम, विवाह, तलाक और वसीयत। वसीयत को क्या कहेंगे, उत्तराधिकार, 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 ये 3 चीजें। विवाह के लिए क्या है भैया, पहले कुछ ऐसे जैसे इस्लाम में बहु विवाह का प्रचलन है कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा शादी कर सकता है, ये कर सकता है यहाँ पर। तो वैसे अब 2 शादी जो कर लेगा उसको ऊपर वाला ना मतलब क्या ही बताया जाए, वो तो दुनिया में नरक देख लिया, वो उसको स्वर्ग भेजेगा ऊपर वाला। हाँ कर लेता है, कुछ कुछ कर लेता है 2 शादी दुनिया में नरक देख के जाएगा। एक पत्नी आजकल किसी से सवाल में नहीं आ रही है, बेचारा डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, ये छोटा 2 करके घूम रहा है सब। भाई 2 करने के लिए, जैसे किसी की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जैसे कोरोना का टाइम था तो एक कंडीशन समझ में आता है कि किसी की मृत्यु हो गई तब कर ले, यही जो है सब 2 ब्याह बहुत गड़बड़ है। पुरुषों ने अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए ना बहुत बहुत कानून थोपा था महिलाओं पे, जिसमें पहले उन्हें फाइनेंशियली फ्री करने नहीं दिया कि मतलब महिला को ऐसा घुमा फिरा के करो कि पैसा के लिए पुरुष पे डिपेंडेंट हो, वो कुछ ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगी क्योंकि अल्टीमेट जाओगी कहां। समझ में, दूसरा एजुकेशन मत दो उनको, पढ़ी लिखी नहीं रहेगी तो भैया उसको लगेगा खाए पिए को मिल रहा ना है, ऐसे ही करने तो एजुकेशन छीना, उनसे पैसा छीन लिया यहाँ पर। उसके बाद वो नियम कानून थोप दिया कि महिला भगवान का नाम ले सकती है, भगवान का नाम ले सकती है, भगवान राम बोल सकती है, भगवान कृष्ण बोल सकती है, ब्रह्मा विष्णु महेश बोल सकती है, लेकिन अपने पति का नाम नहीं बोल सकती है। मतलब ये पति अपने आप को भगवान से ऊपर समझ गया सब। अच्छा सबसे बड़ी बात है ये एक्सेप्ट कर ली सब, नहीं हम भगवान का नाम ले सकते हैं, अपने बुढ़ऊ का नाम नहीं ले सकते, नहीं समझे तो मुझौसा बोलो, बुढ़वा बोलो। समझा गया कि नहीं, यहाँ पर ये नाम नहीं ले सकते। ये उसके अलावे और क्या क्या स्थापित किया सब देखिएगा ना, कंट्रोलिंग करने के लिए कि बाल विवाह जब हुआ ना, बाल विवाह तो बाल विवाह लड़कवनों का ना होना चाहिए जी। समझ में आता है कि 12 साल पे लड़की का ब्याह करना है तो 12 साल का लड़कों को करो ना, बाल विवाह लड़कियन का किया कि 12 साल की लड़की है ना 30 साल का लड़का से ब्याह करा दिया। वो बाल विवाह में ना अगर दोनों करता ना वो बड़ी देखो दोनों गड़बड़ है, लेकिन ज्यादा इसके शिकार कौन हूं महिला, अब ऑटोमेटिक अपने आप को जूनियर समझेगी, नहीं जान जा रहा है। अब तुम लोग के सामने मैट्रिक का लड़का या कोई 8वीं पास है, 8वीं क्लास का बच्चा या मैट्रिक का, तुम ऑटोमेटिक तुम्हारे सामने वो क्या हो जाएगा जूनियर। तो बड़ी बड़ी चाल चला सब पुरुष, बुझे भी नहीं किया महिला सबको क्या हो रहा है, नहीं गया आप। तो यहाँ पर विवाह के लिए अब नियम बना दिया गया कि भाई आपको एक ही विवाह करना है, अगर अभी भी यूसीसी कंप्लीट लागू नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं है। सर ये सब रूल लड़कियों के लिए क्यों है, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेती है, नहीं समझा गया, एक्सेप्ट कर लेती है। यहाँ पर विवाह जो है जीवन के लिए कोई मूलभूत चीजें ऐसी भी नहीं है कि जैसे ऑक्सीजन जिंदगी जीने के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि ब्याह जरूरी है। यहाँ उनको पता है कि दहेज गड़बड़ है, चिलेबो करेंगे दहेज नहीं, ठुकरा भी तो दो, कोई जबरदस्ती घींच के तो नहीं ले जाता ना, तोरा से उड़ा ब्याह करना है और दहेजो लेना है, जबरदस्ती तो नहीं ले जाता, नहीं करेंगे। एक बार में अगर ये महिलाएं कर दें कि भाई हमको नहीं ये करना है, मजबूरी हो कि भाई ये प्रथा खत्म हो जाएगी। प्याज बेचने वाला अगर सब ठान लेता है कि इस साल प्याज 200 रुपया किलो बेचना है, लोग खरीद के ले जाते हैं कि नहीं ले जाते, ठान लिया तो ठान लिया। यहाँ पे तो आप लोगों से ये भी तो नहीं हो रहा है, जरूरी है कि जहां दहेज मांग रहा हम हुए जाएंगे कहे जाएंगे यहाँ पे। अब माँ बाप अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाया ही नहीं कि उसको भरोसा ही नहीं अपनी लड़की के ऊपर, क्योंकि माँ बाप ने खुद ही भरोसा तोड़ दिया, उसको पढ़ा लिखा के इस काबिल बने भी नहीं कि उसको टेंशन है कि खाएगी कहां से।
बांध देगा ऊपर किसी के गले। तो ये भी तो लड़ना जरूरी है कि भैया हम कर लेंगे अपने से व्यवस्था, पढ़े लिखे हैं हम इतना, नहीं समझे। दहेज में हाथी बोल रहा है क्या? हाथी, हाथी का फोटो बनाया कि सुअर बनाया है तुम? चलो आगे बढ़ते हैं। तो शादी ब्याह के लिए नियम कितने शादी होंगे? एक। दूसरी शादी के लिए शर्तें फिक्स हो जाएंगी सबके लिए कि उसकी मन के चलिए कि मृत्यु हो गई हो हस्बैंड या वाइफ की, क्योंकि ये दोनों पे लागू होता है ना, मेल फीमेल दोनों पे, किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर पागल हो गया हो, तो मन के चलिए दोनों भयंकर सनक गया है। एक वैध रीजन है ना यहाँ पर, एक लेंगे व्यभिचारी एडल्ट्री हो उस पे भी कर सकता है, क्योंकि अभी एडल्ट्री को कानून से हटा दिए 497 को। एडल्ट्री मतलब विवाह हो गया हो तब वो लाल पीला हरा इन्ने उन्ने कर रहा है, उसी को व्यभिचार कहा जाता है, अंग्रेजी में एडल्ट्री कहा जाता है। ये सारी चीजें समाज में एक बहुत बड़ी मतलब एक कुरीति समझिए यहाँ पर है, यहाँ पे तो बड़ा खराब लाइफ हो जाता है वहां पर। तो कुछ ऐसे बाउंडेशन बना दिए गया नियम कानून के लिए यहाँ पर विवाह के लिए। अब पॉलीगेमी, हालांकि भारत से बहु विवाह का जो प्रचलन था, एक साथ दो पत्नियां रखना, तीन पतियां रखना, धीरे धीरे भारत से अब ये खत्म हो रहा था। धीरे धीरे क्या हो रहा था? खत्म हो रहा है। गल्फ कंट्री में आज भी ये चीजें नॉर्मल है, गल्फ कंट्री मतलब अरब ईरान इस सब में नॉर्मल है, पाकिस्तान में भी ये सब चीजें नॉर्मल है, क्योंकि थोप दिया गया है महिलाओं को। अब कोई रीजन देगा कि पहले के जमाने में ऐसा था, तो ये भैया पहले के जमाने में सब चीज वैसे ही था यहाँ पे। अगर तुमको लग रहा है कि पहले के जमाने में कोई अगर तीन ब्याह कर लेता था तो पहले के जमाने में लोग मोटरसाइकिल से नहीं चलते थे, पहले के जमाने में लोग दतवन करते थे, तो जाओ पहले के जमाने में, पहले जमाने में लोग मोबाइल नहीं चलाते थे, जाओ पहले के जमाने में लोग झूठ वगैरह नहीं बोलते थे। अब कोई एग्जाम्पल देखे मोहम्मद साहब का, भाई वो पैगम्बर थे, कोई चलाएगा राजा दशरथ जी का एग्जाम्पल दे देगा तो हो उस लायक, आप समझ रहे हैं? मतलब उतना एक वचन के लिए राम जी को वनवास भेज दिए राजा दशरथ जी, चाहते तो कह देते ना देंगे वचन, जा आज के टाइम पे वचन सोचा जहर और ईंधन नहीं मिल रहा है, तुम्हारा वादा की बात करते हो, प्राण त्याग देना पड़ा कि नहीं? अभी राजा दशरथ जी की मृत्यु कैसे हुई? पुत्र वियोग में राम जी चले गए यहाँ पे, प्राण त्याग दिए कि नहीं त्याग दिए? बर्दाश्त से नहीं हो पाया, हालांकि श्रवण कुमार को जो तीर लगा था उसका खैर उस श्राप वगैरह क्या है, विधि का विधान कैसे, लेकिन चाहते तो तोड़ सकते थे कि नहीं? तो अपना की तुलना करेगा सब, ये सब आज का पापी मानो कि फलाना उस समय ऐसा था, तुम हो उस लायक, नहीं समझ आ रहा है? तो ये सब चीजें आप अपने आप को देखिए, जहां फायदा रहेगा तुम उसी हिसाब से सोचेगा, यहाँ पर नहीं समझ आ गया? एग्जाम्पल देगा सब, किसी दिन लड़की जब पढ़ी लिखे मतलब एजुकेशन छीन न लिया अपने, आजकल भी देखना पुरुष सबको भी जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ऑर्थोडॉक्स मतलब एकदम पुरानी थिंकिंग वाला, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग एकदम पुराना रूढ़िवाद थिंकिंग वाला है, वो जो लड़कियां जॉब में है ना जिनको न, उससे शादी करने से कतराता है, समझा गया कि नहीं आ गया? क्योंकि वो तो बोल देगी तेरे पाँव की जूती ना नहीं चाहिए, गाना सुनाएगी उसको सुना नहीं देगी। तो आप लोग का जॉब रहेगा तो रेस्पेक्ट अपना अलग चीज है, रिश्ते तराजू पे तोल के नहीं निभाए जा सकते, तराजू से तोल के व्यापार होता है, लेकिन एक लिमिट क्रॉस कोई नहीं कर सकता आपको, नहीं तो रिंगटोन लगा दीजिएगा, क्या कौन सा, मैं तेरे पाँव की जूती ना जब पहनी और निकाल दी वाला लगा देना यहाँ पे, तो डरता है सभी सबसे। फाइनेंशियल कंट्रोल जिसके पास रहेगा वही कंट्रोल करेगा चीजों को। तो अभी क्या होगा, जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या होगा सबके लिए, ब्याह का क्या हो जाएगा, एक ही रह, एक ही ब्याह करना होगा यहाँ पर। आगे बढ़े, और इससे सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को होता था बहु विवाह के कारण। उसके बाद तलाक, तलाक का भी एक ही नियम कानून होगा कि आपको कुछ सर्टेन रूल दिए जाएंगे कि ये उल्लंघन हो रहा है तो ही आप तलाक दे सकते हैं, पागल है, एडल्ट्री व्यभिचार है, या फिर कुछ भी कारण हो सकती है यहाँ पर। पुरुषों में भी होता है, महिला मतलब महिला भी तलाक दे सकती है, अब ऐसा नहीं होगा महिला कभी करिया है हम तलाक दे रहे, ऐसा नहीं हो जाएगा यहाँ पर, नहीं समझा गया? वहां उसके पास भी वैध रीजन हो जाना चाहिए कि भाई उसको पता चले कि नहीं ये एडल्ट्री है, इसका 75 से इधर लाल पीला हरा के चक्कर में है, जुजरा नौटंकी है, उसका कोर्ट में प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पे। या फिर इम्पोटेंशियलिटी होती है पुरुषों में,
पुरुषों में ना यहाँ पे उष्णकटिबंधीय ज्योग्राफिकल क्षेत्र जो होता है ना वहां पे नपुंसकता बहुत बढ़ रही है भारत में, एक एक चीजों में यहाँ पर नपुंसकता बढ़ने के कारण, तो ये भी एक वैध रीजन कोर्ट इसको मानेगी किस चीज के लिए, डिवोर्स के लिए यहाँ पर। तो वो एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो गर्म क्षेत्र रहता है ना इस सब में एक प्रॉब्लम आती है ज्योग्राफिकली ये सब चीजों में आज, तो उसका भी एक कारण बना सकते हैं। कहने के लिए पुरुष रहेगा लेकिन धीरे 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 उसके बॉडी का हार्मोनल चेंजिंग इस तरह होने जाएगा कि वो नपुंसकता की ओर चला जाएगा यहाँ पर, तो भाई तो उसको वैध रीजन उसके पास आ गया, तो तलाक का एक रूल रेगुलेशन हो जाएगा इस यूसीसी के तहत। ऐसा नहीं है कि तलाक खत्म होने जा रहा है, या ऐसा नहीं है कि विवाह के लिए कह देगा कि सबको सात फेरा लेना। भैया तुम्हें जिस रीति रिवाज से शादी करना है, तुम्हें सात फेरा लेना है, तुम्हें निकाह करना है, तुम्हें मोमबत्ती जला के कैंडल कैंडल करना है, तुम्हें जो विवाह का रीति करना है, लेकिन कितना करना है, एक दूसरा विवाह करने के लिए कुछ शर्तें दिए जाएंगे और कोर्ट में उसे के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और तलाक के लिए भी सेम, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला भी तलाक ले सकती है, पुरुष भी तलाक ले सकता है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जिस तरह से महिला लोग आप लोग के लिए दहेज एक अजीब चीज है ना, उसी तरह पुरुषों के साथ भी एलिमनी बहुत अजीब चीज है। मतलब उसे क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। अब जो डिवोर्स हो गया ना तो मेंटेनेंस। अभी एक महिला 6 लाख रुपया मंथली मांग रही थी अपने हस्बैंड से कि हमको क्या चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। महिला कोर्ट थी, पुरुष रहता तो अगर पुरुष बोल देता तो फिर महिला कर देती। सब बताइए, जज भी यही मानसिकता का, जजों को पीछे नहीं छोड़, महिला कही कि खून पी ले उसका, मतलब जज भी लेडीज थी, कहते 6 लाख रुपया तुम्हारा मंथली खर्च है, तो कह रही है कि हाँ मेरा खर्च है, मुझे शॉपिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो करी तो कमा ले तुम कमा ले। महिला जज के असम के कोर्ट में एक महिला अपने हस्बैंड से एलिमनी में 1 करोड़ रुपया मांग रही थी, 1 करोड़, जबकि वो 25 लाख दे चुका था। तो दोनों खराब है, उधर दहेज भी खराब है, यहाँ पे भी खराब है, समझ में आया कि नहीं आएगा? लेकिन दहेज के खिलाफ आवाज उठाइएगा, इसके खिलाफ नहीं होगा। यहाँ पर आप बोल सकते हैं, हम लोग बोलेंगे तो अभी हम लोग को कहेगा सर ये तो गड़बड़ है, ये सब चीजें थोड़ा सा। और महिला लोग में ना एक वो भी है, एक पुरुष की मेंटेलिटी होती है, वो अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी, अपने से ज्यादा कमाने वाली, इस सबसे थोड़ा कतराता है। अगर सपोज कीजिए पीजी किया है ना, एमएससी किया है, एमए किया है, उसका रिश्ता आएगा पीएचडी से ना, तो थोड़ा सा कतराएगा, अरे बाप हो बाप, पीएचडी है, ये है, करना चाहिए कि नहीं, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, कतराएगा। अगर उसकी सैलरी 1 लाख है, वाइफ कोई ऐसा महिला है जिसकी सैलरी 5 लाख है, थोड़ा कतराएगा, भैया हम 1 लाख कमा रहे हैं, 5 लाख कमा रही है। पुरुष लोग बताओ कतराओगे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा, खैर ये सब टेंशन में, 5 लाख वाला मिल तो काम रहा। लेकिन महिला लोग में क्या है ना, ऑटोमेटिक देखिए, अगर आपको आजादी मतलब या बराबरी चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके साथ बराबर होना चाहिए, थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए ना, थोड़ा इजी हो जाएगा एडजस्ट, ऑटोमेटिक आप लोग ना अपने से आगे चाहते हैं लोग, ऑटोमेटिक नहीं समझे, तो वो थोड़ा सा होता। खैर ये सब चीजें अब धीरे धीरे सुधर रही है। और तलाक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तलाक हो गया। अब उसके वसीयत, वसीयत का मतलब क्या, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी मतलब किसी की पैतृक संपत्ति है। सर 6 लाख रुपया दहेज दिया होगा इसीलिए 6 लाख मंथली मांग रही थी, अरे पता नहीं क्या मैटर हुआ होगा, ऊपर वाला कभी किसी के घर में ऐसा नौबत ना लाए कि हस्बैंड वाइफ में ये सब मैटर हो, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है बाल बच्चों को आगे, समझ में आया कि नहीं गया? क्योंकि ब्याह उसी का होता है जो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, तभी ना ब्याह हुआ होगा। अब उसको मतलब डिवोर्स के बाद अपने आप को संभाल सकता है, लेकिन जो बच्चे हैं उसको क्या अपराध है। एक कोर्ट में एक आदमी था जो ऐसे उस पर गया था, उसका 3 साल का लड़का अपने पापा को कह रहा है कि तुम अपराधी हो। 3 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता है कि उसका बाप की गलती है कि माँ की गलती है, लेकिन वो अपने बाप को कह रहा है कि तुम मतलब गुंडा हो, मतलब अपने बाप को भला बुरा कह रहा था। इट मींस उसके पास नॉलेज नहीं, भर दिया गया। जरूरी नहीं कि वो खराब ही है या हम ही नहीं करें कि अच्छा ही है, बट एक 3 साल का लड़का कितने किस स्थिति में रहता है कि वो इस चीज को डिसाइड कर सकता है। तो कई बार ऐसा ऐसा चीज होता है, तो तुम लोग ना, हम तो कहते हैं कि ऐसा ही रहना लोग, नहीं समझे।
हाँ ऐसे रहना लोग एकदम बड़े ऐसे, समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। हाँ कोनो एकदम आश्रम वश्रम रख लेना अपना, ध्यान लगाना अपने यहाँ पे। गधा कहीं का KGS आश्रम बनवा दिया हम लोग के लिए। जब संविधान में बात है तो पूरे देश में क्यों नहीं लागू है? लागू है रे गधा कहीं का, अभी ये संशोधन की प्रक्रिया में चला गया है स्टैंडिंग कमेटी के पास, इस पे उसके उसके लिए क्या नाम है, संसदीय समिति में वक्त बोर्ड और इस पे ज्यादा विचार करने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वसीयत नामा में क्या होता है कि जो आपकी संपत्ति है ना, जैसे दादा की संपत्ति ऑटोमेटिक आपके पिताजी के पास चली जाएगी, तो वसीयत में क्या था कि पहले इस्लामिक कानून के हिसाब से जो संपत्ति थी उसमें भाई का भी हक था और बहन का भी हक था। 2005 से पहले हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये सब में ये सब चीजें नहीं थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नहीं महिलाओं का भी अधिकार है, तो अब आप लोग का भी अधिकार है, पहले भी था पांच से पहले, 2005 से पहले भले नहीं था, 2005 बाद इसने लागू कर दिया, लेकिन जब UCC आ जाएगा तो सबके लिए हो जाएगा। तो मुसलमानों में ये प्रथा पहले से थी, लेकिन हिंदू धर्म का देखा था कि मुसलमान महिलाएं भी अपना अधिकार नहीं मांगती थी, कहां कोई मांगता हो। तो जब आप एक दूसरे के साथ रहते ना मिलजुल के, तो प्रथा आ जाती है। जैसे जूता चुराने का रस्म इस्लाम धर्म में थोड़े है, एक दूसरे से ट्रेडिशन से ले लिया गया। यहाँ पर समझा गया, इस्लाम धर्म में दहेज का प्रचलन है जी, उल्टा दहेज देना होता है, सऊदी अरब में जाएंगे तो लड़कवा देता है। हाँ वहां कौन चीज का प्रचलन है वहां पर? खैर उस सबको पैसा का कौन चीज की कमी है, उसे अभी भी तेल खोदो या जमीन खोदो तेल निकलेगा यहाँ पे, उसको पैसा कौन चीज की कमी है भाई? तुम्हें दहेज देना रहा तो दे, यहाँ ना दिक्कत है भाई, जब तक तो कोई कमाएगा नहीं खाएगा नहीं, यहाँ पर खाली तेल बेच बेच के अमीर हो गया है सब। उन सब का अलग सिस्टम है, हम लोग के नेचुरल रिसोर्स उतना नहीं ना है यहाँ पर। तो ये जो वसीयत समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। अब यहां पर ना तलाक में एक हलाला बड़ा प्रचलन में था। जब ये तलाक का प्रचलन जब अरब देशों में इतना इजी हुआ तो इसका मिसयूज बहुत होने लगा था, कि किसी को कोई पुरुष आता था गुस्सा में धाए धाए मारता था, तलाक 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 मिसयूज होकर रह जाता था। तो मान के चलिए कि कोई मैन है बिया हुआ किसी वुमेन से, अरे महिला से ही बिया होगा, अरे हंसता क्यों है भैया, समलैंगिक विवाह में पुरुष पुरुष से बिया कर सकता है, महिला महिला से कर सकती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? LGBTQ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर से कर सकता है। तो LGBTQ, अब ए ने के सपोज कीजिए कि ए ने विवाह किया किस से, बी से, बी से विवाह किया, तो पहले जो तलाक वगैरह की व्यवस्था थी जो जो वो क्या नाम होता था ये हलाला का प्रचलन प्रचलन में था यहाँ पे, तो ये भारत में उतना नहीं देखा गया जितना कि बड़े पैमाने पर गल्फ मिडिल ईस्ट यही सब में देखा गया। क्योंकि भारत में ना अभी भी चीजें जो है वो समाज का बहुत बड़ा दबाव भारत में रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत में नहीं था यहाँ पे। तो हुआ क्या कि अगर इंस्टेंट तीन तलाक था तो भड़क के धाए 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 मारता था इसको, तलाक 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 खत्म कहानी यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? अब उसमें होता क्या था कि जब इन दोनों की बिया होती थी ना तो एक मोहरदेन की रकम लिखी जाती है, जब बिया होता है ना तो मोहरदेन लिखा जाता है कि इतना पैसा मोहरदेन में लिखना होता है कि अगर तलाक हो गया ना तो हमको उतना पैसा उसे देना होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो मोहरदेन में लिखता कितना है, 25,000 30,000 50,000 यही लिखता है, और कौन जाए 1 करोड़ लिखेगा कौन, मैल जानबूझ के कम लिखता है, देखो ही समझ गई है। तो जिसको लिखवाना होगा मोहरदेन में हुमच के लिखवा देना, 5 करोड़ ले तो जरूरत नहीं। तो वो जब शादी किया होगा ए किस से, बी से, तो कुछ मोहरदेन में रखा होगा रकम उसके टाइम पे, उदे के क्या हो गया डिवोर्स इसका। अब ये महिला हो गया, इसका डिवोर्स हो गया। यहाँ पर एक लगभग 3 महीने की टाइम होती है, उसे इद्दत पीरियड कहते हैं, 3 महीना का टाइम, उसका टेक्निकल नाम और भी कुछ हो सकता है, बट 3 महीने तक ये महिला दूसरे जगह विवाह नहीं हो सकता है। 3 महीना बाद क्या चीज, वो तो एलिमनी बता रही हो, वो जो आप बता रही हो गुजारा भत्ता है, मेंटेनेंस है, हम ये बता रहे हैं मोहरदेन। ये केवल मुसलमानों में है कि जब वो शादी कर रहा होता है उसी समय फिक्स हो जाता है कि मोहरदेन की रकम कितनी रखी जाएगी यहां पर। समझ गया? उसके बाद नहीं,
साहबानों केस में यही ना हुआ था, वो एक बार मोहर देन दे दिया तो खत्म। इसीलिए ना यूसीसी में बवाल हो रहा है, यूसीसी आएगा ना तो एक बार मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूं, अब कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना महीना दीजिएगा यहाँ पर, नहीं समझे। तो यहाँ पे मोहर देन की रकम दे दिया, डिवोर्स हो गया, लगभग 3 महीने की पीरियड खत्म होने के बाद ये महिला भी अब कहीं पे विवाह कर सकती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन इस 3 महीना के दौरान विवाह नहीं कर सकती है, लगभग 3 महीने का दिन होता, किसी को दिक्कत। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, मेरा चाचा वो इमरान, वो बिया किया वहां पे, कहा नाम था जी उसका, बुसरा बानो की कोना से बिया किया। वो जो विवाह किया ना तो उसको कोनो बता दिया कि जो महिला थी सपोज कीजिए ये महिला है, इसका ऑलरेडी बिया था, तो किसी ने बताया कि महिला का लक्षण बहुत अच्छा है, अगर तुम इससे बिया कर लेते हो ना तो तुम पक्का प्रधानमंत्री बन जाओगे। इसकी उम्र थी 63 साल, किसकी, मेरा चाचा इसकी उम्र कितनी थी, 63। इसको कहा कि तुम इसको डिवोर्स दे दो, सोचिए 63 साल की उम्र में बुढ़ा डिवोर्स दिला दिया, और डिवोर्स दे दिए, कहा कि अब तो हो गया डिकम, अब इसको प्रधानमंत्री बनने की इतनी जल्दी थी कि ब्याह कर लिया, और 3 महीना वाला टाइम हुआ पूरा नहीं करने दिया, ब्याह कर लिया। विपक्ष की पार्टी ने केस कर दिया कि अभी 3 महीना भाई भी नहीं किया तो ब्याह कैसे कर लिया, जेल। इतना ना अच्छा लक्षण था इतना ना अच्छा लक्षण था कि बेचारा जेल चल गया यहाँ पर, अजब हाल है यहाँ पर, नहीं समझा गया। हाँ प्रधानमंत्री था, इलेक्शन पास था, तो उसको ये कहा गया ना कि इससे भी आकर लोगे तो इलेक्शन में जीत जाओगे। तो ऐसा वहां पे उजड़ा आदमी है सब यहाँ पर, बताओ उसका लक्षण ठीक है यहाँ पे, उस हिसाब से तो मोदी जी का लक्षण देखो, 3रा बार जीत गए, ब्याह नहीं, मतलब ब्याह तो किए लेकिन फैमिली के दबाव में किए थे। यहाँ पे योगी जी को देखिए, अब बताओ 3 महीना का टाइमिंग पूरा किया था, अच्छा जज भी फैसला सुनाया होगा तो क्या लिखा होगा, अरे छोटा 3 महीना और रुक जाता इसको पता नहीं था यहाँ पे। तो ये कानून है भारत में, ये सब चीज यूसीसी आ जाएगा तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अब पहले क्या था ना कि बोलिए, हाँ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में है इस्लामिक कानून है, ये कैसा कानून है इस्लामिक कानून। अभी क्या हुआ था कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि ए ने डिवोर्स दे दिया किसको, बी को, लेकिन उसको रियलाइज हुआ कि गलती दोनों में थी, अब उसको पश्चाताप होने लगा। जब सम डिस्टेंस इज गुड फॉर हेल्दी रिलेशन, कि अच्छे रिश्ते के लिए कुछ दूरियां अच्छी होती हैं, तो इन लोगों को जब दूर रहने लगे डिवोर्स दे दिए, तब रियलाइज हुआ कि नहीं गलती हो गई थी, वापस ब्याह कर लेते हैं। तो पहले ना ये प्रचलन आज से 800 साल 900 साल पहले जब अरब देश वगैरह थे या फिर दिल्ली सल्तनत का शासन था तो बड़ी बड़े पैमाने पे हो गया, छोटे छोटे बॉट पे डिवोर्स देता था, फिर 2-3 महीना बाद फिर से निकाह कर लेता था, डिवोर्स देता था कर। इसको रोकने के लिए आज से 1000-2000 साल पहले कभी कोई बड़े बड़े थिंकर बैठा होगा, उनका दिया होगा ना, अब जब तुम डिवोर्स दे दिया है तो मतलब अब इसे विवाह नहीं कर सकता, अगर विवाह करना है तो फिर इसको, इस महिला को कहीं और विवाह करना होगा सी से, और फिर इससे डिवोर्स देना होगा, और फिर 3 मंथ रुकना होगा, तब तुमको निकाह करना पड़ेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, नियम को टफ करने के लिए किया गया, नियम को क्या करने के लिए, टफ करने, क्योंकि बिना मतलब बार बार ये तो नौटंकी कर दिया सब यहाँ पर दोबारा। अच्छा तुम डिवोर्स दे दिए तो दोबारा ब्याह कर कह रहे हो, या होश में डिवोर्स दो, नहीं समझे, होश में डिवोर्स दो, नहीं तो भाई अगर डिवोर्स दे दिए हो तो फिर निभाओ उसको, लेकिन मजाक बना दिया था। तो इसी को कहा गया जो ये कि भैया जब आपको वापस करना है तो वापस करने के लिए 3 महीना नहीं वेट करना पड़ेगा, वापस करने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी, फिर यहां से डिवोर्स लेना पड़ेगा, और यहां से डिवोर्स लेके फिर कितना रुकना पड़ेगा, और तब इससे क्या होगा, निकाह होगा। अब इसका समझ में आएगी ना भैया ना, 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 ना अब डिवोर्स बिना मतलब डिवोर्स देने लायक नहीं है, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला जो सिस्टम था ना इसको कहा गया हलाला, क्या कहा गया, हलाला। तो भैया ये डिवोर्स देंगे तो हलाला की नौबत नहीं आएगी, लेकिन नौबत कब आएगी, डिवोर्स देने के बाद अगर सोचेंगे कि ना ओकरे से वापस ब्याह, उसको शारीरिक प्रताड़ना हो जाएगी भाई, उसको दोबारा ब्याह करना पड़ेगा, आ इसकी मानसिक प्रताड़ना होगी,
ओकरा सब कहेगा से तोर जो ने बियाह कइले फिर ओकर कहीं और बियाह भइलो, नहीं समझ में आ गया तो होश में रहो। लेकिन इसका मिसयूज ज्यादा होने लगा। अब इसमें क्या हुआ, कई कई गो आदमी था यहाँ पे, अभी इसका बहुत मिसयूज होने लगा, महिलाओं ने इस पे सवाल उठाया तो कोर्ट ने कह दिया कि एक काम करो, जो धाए धाए तलाक वाला व्यवस्था है धड़ाधड़ इसी को खत्म करो, स्टेप वन खत्म करो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ बयान तलाक नहीं दे सकते हो, जाके कोर्ट में दो, जब यही खत्म हो गया तो ये वाला स्टेप की नौबतें नहीं आएगी। समझ में आ गई कि नहीं आ गया? ये महिलाओं पे थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, तो भेदभाव वाला कानून था महिलाओं का, एकदम समझिए कि उनकी पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का उल्लंघन था। तो लॉकडाउन के टाइम पे ये फैसला आया था 2020 या 21 में फैसला आया था। तो कोर्ट ने कहा था कि इस कानून से, महिलाओं के हलाला वाला कानून से, महिलाओं का पर्सनल लिबर्टी पे क्या होता है, प्रभावित होती है, इसलिए हम इसे समाप्त करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत?